वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, रूम हमने छोड़ दिया है और बज रहे हैं इस वक्त सुबह के 10, और 10 बजे तक हम जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इशल। वालेकुम सलाम। तो जी, चलते हैं और आज हम जो है वो एबटाबाद छोड़ देंगे और इरादा ये है कि कश्मीर निकल जाएंगे। हमारा कोई प्लान नहीं होता, हम कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच जाते हैं। तो आज ये कि हम कश्मीर निकल जाएंगे, तो दुआ करें कि हम कश्मीर जैसे पहुंच कल का प्लान कश्मीर था बालाकोट। हाँ, बालाकोट, लेकिन आज हम लोग एबटाबाद पे रुक गए। लेकिन वो तो खैर कल तो खैर मसला ही अलग हो गया था, और कल तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, कुछ पता नहीं चला हमारे साथ गाड़ी का क्या हुआ। आखिर में हमने रेडिएटर साफ कराया है और अब देखें, उम्मीद करते हैं कि अब हमारा काम जो है ना वो चल जाए। गाड़ी से बहुत परेशान किया, तो चलिए चलते हैं। मेरी तबीयत खराब हो गई। आपकी तबीयत दो दिन से खराब है? बस हम जैसे ही वहाँ से हमने मूव किया है, अपने अपना कराची छोड़ा है, उसके पास से ही हल्की हल्की सी डाउन होना शुरू हुई थी और फैसलाबाद में तो ये पूरी बीमार पड़ गई। तो जी चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वलिया। अस्सलाम वालेकुम उषा। वालेकुम अस्सलाम। तो जी, हम निकल रहे हैं बिल्कुल अपने होटल से। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस निकलते, नाश्ता भी नहीं किया अभी हमने। हां, देखिए समीर ने सिर्फ एक कप चाय पी थी, बैनर वाली की शक्ल में, बाकी किसी ने कुछ नहीं खाया। भैया बहुत शदीद भूख लग रही है ना, सब ऑन द वे खाएंगे और बस यहाँ से निकलेंगे। इसको पर गूगल के ऊपर जो है ना मैप लगा दो। चलो आप लगा लो। एबटाबाद के होटल से हम निकल गए थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, कभी कुछ, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है जब हम यहाँ पर आए थे एबटाबाद, और यहाँ पर जो है उसने हमारी उसकी सफाई की थी ग्रिल वगैरह की और रेडिएटर की, तो फिर जो है वो हमारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई थी। वरना हमें यही था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा था कोई भी। मतलब आप ये कह लें कि हाईवे के ऊपर जितने भी वो बैठे हुए थे आपके मैकेनिक, उनमें से किसी की समझ नहीं आया कि असल में इसके साथ प्रॉब्लम हो क्या रही है। एक के साथ एक वो लोग हमारी एक चीज़ ख़राब करते चले गए, जैसे कि वो उन्होंने फ़ैन का बटन निकाल दिया था, प्लग निकाल दिया था, और उसके बाद फिर जिसने लगाया उसको भी नहीं समझ आया कि असल में इसमें मसला क्या है। करते कराते जो है वो ये टाइम हो गया, और एक दिन हमारा जो था वो पूरा का पूरा ज़ाया हो गया था। अब हम यहाँ पे जो है वो फिलिंग वगैरह भी कराएंगे अपने पेट्रोल की। तो जी, हम जो है वो एबटाबाद से निकल आए हैं तकरीबन, और यहाँ पर हम पेट्रोल डलवा रहे हैं गो के पेट्रोल पंप से। तो खुर्रम मेरे ख्याल से वही डलवा रहे होंगे 10 या 15 लीटर। आते हैं तो फिर हम बताते हैं आपको। यहाँ विंडो स्क्रीन हमने अपनी साफ करा ली है, और रात हमारी यहाँ बहुत अच्छी गुजर गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं आज। अब हम लोग एबटाबाद लीव कर रहे हैं। हमने अपने लिए कुछ चिप्स वगैरह लिए हैं, फिर बाकी का सफर आपको दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह इशल की भी जो तबीयत थी वो काफ़ी बेहतर हो गई थी, और मंजिल हमारी जो थी वो कश्मीर की तरफ थी। अब जो है वो पहले हमने सोचा था कि हम बालाकोट पे जाके स्टे करेंगे, लेकिन फिर दूसरे दिन हमारा इरादा बन गया था कि हमने जाना है जनाब कश्मीर ही। हालांकि कश्मीर में हमें हम जिन मौसम में गए थे उसमें पूरा कश्मीर खुला नहीं था, लेकिन ये कि बच्चों ने कश्मीर देखा नहीं था तो वो ज़िद लगाए बैठे थे कि कश्मीर ही जाना है। तो फिर हमने कहा चलो कश्मीर की तरफ निकलते हैं। अच्छा, ये एक रास्ता जो है ना ये भी कश्मीर की तरफ जाता है, जो कि आपका एबटाबाद से निकल के जाता है, और ये जो ही रास्ता है जो आपका नारायण की तरफ जाता है उसी में बीच में कट आता है, जो कि आपको कश्मीर की तरफ मोड़ देता है। वरना एक रास्ता जो है वो मरी की तरफ से भी निकलता है, और वो सुना है कि वो ज़्यादा अच्छा रास्ता है। लेकिन ये कि हम इस तरफ आ गए थे, तो फिर हमने यहीं से ही कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया था, और फिर हम इधर से ही जा रहे थे। वरना अगर हम इस्लामाबाद से ही कर लेते कि हमें मरी जाना है, सॉरी वहाँ जाना है, कश्मीर जाना है, तो फिर हम मरी वाले रास्ते से निकलते।
तो जनाब चलते हैं और आप नज़ारे देखें। नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि रास्ता बहुत मज़े का हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। मतलब आप जो लोग जाने लगते हैं ना एक दफ़ा घूमने के लिए, उनको एक नशा हो जाता है। वो साल में दो दो तीन तीन दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं। थकन का भी एहसास नहीं होता, क्योंकि सारी थकन जो है ना वो इन पहाड़ों में आके गुम हो जाती है, गर्मी हो सर्दी हो। लेकिन ये कि ये जो जगहें हैं ना, ये इतनी को खूबसूरत होती हैं, हर मौसम की एक अलग ही इनकी अपनी जो होती है वो झलक होती है, अपने ही नज़ारे होते हैं। तो आपको वो सारे ही नज़ारे जो हैं वो नहायत ही खूबसूरत मिलते हैं यहाँ पर आके। तो जो लोग जाते हैं उनको पता है कि वो कितने आशिक होते हैं इन जगहों के, इन मनाजिर के। अच्छा, नारान कागान जो है वो तो हम बहुत दफ़ा आ चुके हैं, और मोस्टली लोग जो हैं वो जब भी निकलते हैं पाकिस्तान टूर पर तो वो नारान कागान या मरी की तरफ ज़रूर जाते हैं, इसलिए कि लगता है कि इन जगहों पर जाने के बाद आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिकनिक पूरी हो जाती है या आपका टूर जो है वो पूरा हो जाता है। इसलिए कि यहाँ पर आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और जो भी कुछ बच्चे इंजॉय करना चाहते हैं वो सब हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इसी तरफ जाके और वापस चले जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बाबूसर टॉप को भी क्रॉस करते हैं। असल में बाबूसर टॉप को क्रॉस करने का एक लिमिटेड टाइम होता है, बस उसी में आना जाना होता है, उसके बाद फिर बाबूसर टॉप बंद हो जाता है। जनाब यहाँ पर आपको जो है ना वो बार बार एक कैमरा नज़र आ रहा है, जो कि वलिया बना रही हैं। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ हुआ था बनाने का, और वो जो थी वो बार बार वीडियो अपनी, अब जैसे मैं कैमरा उठाती थी तो वो अपने बाबा का कैमरा उठा के और वीडियो बनाने लगे। हम पहुँच रहे हैं बालाकोट को क्रॉस करेंगे ना, तो रास्ता ही है भाई, रास्ता में तो इतना पूरे के इलाकों का पता नहीं है, लेकिन ये क्या खूबसूरत इलाका है। और कश्मीर अभी नहीं आया है, थोड़ा तो हमें पता है, और आगे जो है वो हम जा रहे हैं ये खूबसूरत से इलाके से गुजरते हुए। पहाड़ों के दरमियान बड़े बड़े पेड़ हैं, ये कौन से बागों के पेड़ हैं आप जो बता बोलते हैं? चीड़ के पेड़, चिनार के दरख्त हैं, लेकिन हम लोग हैं काफ़ी सो। माशाल्लाह हम लोग उतरे हैं यहाँ पर, और दरिया बह रहा है और वादी इतनी खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए चारों तरफ से आप देखिए ग्रीन ही ग्रीन पहाड़, माशाल्लाह। अच्छा, जहाँ से ये पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है ना, वहाँ से ही आपका जो है वो मंज़र अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाता है, और हर जगह आपका दिल चाहता है कि आप रुकें और आप जो है वो थोड़ा सा इंजॉय करें, लेकिन आप जो है वो हर जगह रुक नहीं सकते। इसलिए कि अगर आपने ऐसे ही जगह जगह रुक के आप, तो फिर तो जनाब हो गया आपका काम, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो है वो बस गाड़ी चलाते रहें, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, वहाँ आप रुकें तस्वीरें बनाएं। कुछ ऐसी होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं, अब एक जगह आप रुक चुके हैं, एक जगह आप तस्वीरें बनवा चुके हैं, तो फिर आप दूसरी जगह नहीं रुकते हैं। गूगल हमें दिखा रहा था कि ये शॉर्ट है, थोड़ा सा ना चढ़ाई है यहाँ पर, गली मोहल्ले पे ही रोड होगी, लेकिन ये कि सही है गुजरने के लिए, सही है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, ट्रैफिक यहाँ पे नहीं होगी आगे वाले रोड पे। हाँ, जो मेन रोड है ना ये यहाँ से हमें अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर ना हम बीच में से एक और रास्ता जा रहा था जो उनके अंदर ही गली सी जा रही है, गूगल ने दिखाया था कि ये शॉर्ट भी और यहाँ ट्रैफिक भी नहीं होगा, तो वहाँ से हम निकल रहे हैं। मैं रोक के पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो फिर उन्हें नहीं होता, देखो यहाँ इनका कब्रिस्तान है। एक आगे बड़ा रास्ता भी होगा, लेकिन रश ज़्यादा होगा, तो फिर हम यहाँ से निकल, ये अच्छा भी हो गया, चलो इनका अपने अंदर का रास्ता भी देख लिया। हाँ, लेकिन रास्ते में नहीं गए, लेकिन ये तो जी हम उस रास्ते से नहीं गए, हम आ गए वापस, और क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ना गाड़ी जो है वो चढ़ाई, रोड भी बहुत थी और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी, मैंने खुर्रम से कहा वापस ले लें, कभी यहाँ वापस आ गए उनके बाज़ार में, और यहाँ से जो है ना वो दूसरी वाली रोड से जाएंगे।
इसकी फिजा का क्या कहना है, गाना है ना देश दुल्हन है दुल्हन के तन का है कहना, वाह वाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अच्छा यहाँ ना इसके कर्ज भी बहुत पैसे हैं। यहाँ हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद को हमने ऊपर से क्रॉस करना है, बस यहाँ कुछ खाना पीना है और उसके बाद हम सीधे नीलम वैली के लिए निकल जाएंगे क्योंकि उसका रास्ता भी यहाँ से 3.5 घंटे का है। 300 meters। तो जी यहाँ पर हम उतरे हैं, हम गाड़ी वॉश करा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रास्ते में हमें धूल मिली थी ना, रोड थोड़ा सा पैच ख़राब था, हम यहाँ पर गाड़ी वॉश हो रही है। गर्मी के मौसम में जो है वो गाड़ी के ऊपर प्रेशर डलवाना और जो है वो गाड़ी को साफ़ कराना, ठंडी करवा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है और आपके ब्रेक वगैरह भी फेल नहीं होते हैं। बस यहाँ पर जो है वो हम गाड़ी को वॉश करेंगे और आगे जाएंगे। वीडियो को आज यहीं पर एंड करूँगी, बाकी इंशाल्लाह कल देखाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय।